यार आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ, देखो क्या दिखाने वाला हूँ। मैंने डेस्टिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड करती बार, तो जब मैं सेंड करूंगा नोटिफिकेशन ना, जब यूजर को ये मिलेगी और जब उसको ओपन करेगा, तो आप देखो क्लिक करने पर डेस्टिनेशन एक्टिविटी ओपन हो रही है। अब डेस्टिनेशन की जगह मैं कुछ और लिख करके भेजूँ, कुछ भी लिख करके भेजता हूँ, तो एक टेस्टिंग एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। मैं इसको फिर से रन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं एक्स्ट्रा डेटा भेज रहा हूँ अपनी नोटिफिकेशन के साथ, जिससे यूजर उसको डिसाइड कर पा रहा है कि किस एक्टिविटी पे मेरे को क्लिक होने पे जाना है। देखो यहाँ पे मैंने सेंड नोटिफिकेशन की, फिर से नोटिफिकेशन आई, मैंने क्लिक किया, तो इस बार आप देखोगे तो टेस्टिंग एक्टिविटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो यार आज की इस वीडियो में आपको सोल्यूशन देने वाला हूँ। पहले तो एक एग्जाम्पल से समझ लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज आपके लिए रहने वाली है। अगर आपने फायरबेस क्लाउड मैसेज से एक फोन से हम लोग दूसरे फोन पे, यानी कि एक ही मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन कैसे भेजते हैं, जो कि आप अगर चैट ऐप बना रहे हो तो उस पर तो बहुत ज्यादा यूज होगी, और बाकी आप कोई भी ऐप बना रहे हो जिसमें आपने एडमिन ऐप भी बनाई है अपनी, उसके थ्रू आप नोटिफिकेशन भेजना चाहते हो अपने ऐप में यूजर्स को, तो वो आप लोग कर सकते हो। उन वीडियो को देखो जा करके, और इस वीडियो को हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, आपने देखा होगा कि जब भी अमेजोन की ऐप आपने चलाई होगी या फिर कोई भी ऐप चलाई होगी प्रोफेशनल, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अमेजोन का ही मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कि जब मेरे को मेरे अकाउंट की नोटिफिकेशन कोई आती है अमेजोन की, तो मेरे को नोटिफिकेशन में दिखती है, जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो वो नोटिफिकेशन वाली अमेजोन के ऐप खुलती है, और उसमें एक नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी ओपन हो जाती है जिसमें मेरी सारी नोटिफिकेशन आती है। और कई बार क्या होता है कि अमेजोन के मुझे कुछ ऑफर आते हैं, तो जब भी नोटिफिकेशन में ऑफर आता है तो मैं वो क्लिक करता हूँ, तो मेरी ऑफर वाली एक्टिविटी ओपन होती है। तो मेरी ऐप को कैसे पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी कब ओपन करनी है? नोटिफिकेशन तो हम एक ही टाइम एक ही तरीके से भेजते हैं। तो ये काम हम लोग यहाँ पे आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग डिसाइड करें कि जो हमारा यूजर हमारी नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ओपन कर रहा है अपनी हमारी ऐप को, तो उसको कौन सी एक्टिविटी पे ओपन करवाना है। अगर हम नोटिफिकेशन भेज रहे हैं अपने यूजर को, तो वो नोटिफिकेशन वाली एक्टिविटी ओपन हो जाए। अगर हम लोग कुछ ऑफर भेज रहे हैं अपने यूजर को, तो ऑफर वाली एक्टिविटी ओपन हो जाए जिसमें उसको सारे डिटेल्स मिल जाए, ठीक है जी। तो आज हम लोग यही डिसाइड करने वाले हैं कि किस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा डेटा भेज सकते हैं अपनी नोटिफिकेशन के साथ, और उस एक्स्ट्रा डेटा के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, अपने यूजर को डिसाइड करवा सकते हैं कि उसको कौन सी एक्टिविटी वहां पे ऑटोमेटिकली ओपन होगी, ठीक है जी। तो ये सारा कोड मैंने जो जो दो वीडियोज बना चुका हूँ पहले फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग की, उस पर मैंने ये कोड दिया हुआ, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जी, सबसे पहले जो कोड आपको मिलेगा ना, वहां पे आपको कुछ इस तरह का कोड मिलेगा, ठीक है। आपको वहां पे सर्वर की चेंज करनी होती है अपनी फायरबेस की, ठीक है, वो सब बताया हुआ मैंने वीडियोस पे, उसको अगर देख करके आए हो तब तो ठीक है, नहीं देखा तो उनको वीडियो को भी देखो और साथ में फिर इस वीडियो में आओ, ठीक है जी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर पे कुछ चेंज होगा, ठीक है, जो कोड दिया है ना मैंने उस पे, उसके अलावा यहाँ पे कुछ चेंज होगा, ठीक है। क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो इस कोड को। यहाँ वहां पे पहले मैंने एक कंटेक्स्ट भी लिया हुआ था, तो वो कंटेक्स्ट यहाँ से डिलीट कर दिया मैंने, और कंस्ट्रक्टर के अंदर से यहाँ से भी डिलीट किया, और यहाँ से भी मैंने डिलीट कर दिया। कंस्ट्रक्टर था, अगर आपको पता हो तो उस कोड को अगर आप देखोगे जो भी है, अगर नहीं है तो आप इस कोड को भी लिख सकते हो यहाँ से, ठीक है जी। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले तो एक चीज हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को एक एक्स्ट्रा डेटा भेजना है यूजर को, तो सबसे पहले डेटा क्या भेजना चाहते हैं। देखो जी, इसको जैसे हम लोग सेंड करते हैं, तो यहाँ से मैं देखो इस तरह से सेंड करते हैं इसको, फायरबेस नोटिफिकेशन सेंडर, नोटिफिकेशन सेंडर, FCM नोटिफिकेशन सेंडर, एक ऑब्जेक्ट बना करके यहाँ से सारा डेटा हम लोग डाल करके सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑल टॉपिक जिसने सब्सक्राइब किया होगा उसको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, एक टाइटल मैंने डाला है, इसकी बॉडी डाली हुई है, और एक एक्टिविटी मैंने यहाँ पे दी है, जो पुराना कोड हमारा होगा उस पर एक आपको कंटेक्स्ट भी दिखेगा। जब आप यहाँ से इस कंस्ट्रक्टर से उस कंटेक्स्ट वाली लाइन को यहाँ से भी डिलीट करोगे और यहाँ से भी डिलीट करोगे और ऊपर से भी डिलीट कर दोगे, तो ये आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टर, ये आपको वहाँ पे एम कंटेक्स्ट कंटेक्स्ट जो है डालने को नहीं आएगा, आपको सीधा एक्टिविटी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज करनी है आपने, ठीक है, कंस्ट्रक्टर हम लोग फिर से बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे कि हम लोग यहाँ पे बनाएंगे स्ट्रिंग लेंगे, एक जी स्ट्रिंग क्या लेंगे, स्ट्रिंग ले ली मैंने टू गो नाम की एक स्ट्रिंग ले ली। इसके बाद क्या किया मैंने, इसको यहाँ से कॉपी किया, अच्छा कॉपी करो या फिर यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, जनरेट पे जाएंगे, अल्ट इंसर्ट से भी आप जा सकते हो, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और यहाँ से इतना इतना सेलेक्ट करेंगे, हमको ये रिक्वेस्ट क्यू को नहीं लेना है,
हमने स्ट्रिंग लेनी है, एक्टिविटी लेनी है, बॉडी लेनी है, टाइटल लेना, और एफसीएम टोकन जो भी हमारा रहेगा वो लेना है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर एक बन गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे टाइटल, बॉडी, एक्टिविटी और एक टू गो, ठीक है जी। इतना कंस्ट्रक्टर बन गया तो यहाँ पे आपको एरर देना स्टार्ट हो जाएगा जहाँ से आप सेंड कर रहे हो। तो वहां पे आपको देना है कि भाई किस एक्टिविटी को ओपन करवाना है, बस आपने ये कोड लिख देना, जिस भी एक्टिविटी को ओपन कराना है यहाँ पे डाल देना जी। मैंने डाल दिया जी, मेरे को कौन सी, मेरे पास देखो यहाँ पे एक डेस्टिनेशन एक्टिविटी है, एक टेस्टिंग एक्टिविटी है। तो मैं डेस्टिनेशन एक्टिविटी को ओपन कराना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेस्टिनेशन, ताकि फिर मैं बाद में इसको ले भी बाद में इसको मैं चेक कर सकूँ कि अगर डेस्टिनेशन मेरे को मिला है डेटा तो मैं फिर डेस्टिनेशन को ओपन करवा दूँ। अभी देखो, अभी आपको समझ नहीं आ रहे तो ध्यान से देखते रहो कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये सारा मुझे मिल चुका है। अब देखो यहाँ पे हम बॉडी और टाइटल डालते हैं, ठीक है। ये सारा कोड मैंने समझाया हुआ है पिछली वीडियोस में, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, हम लोग एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जेसन ऑब्जेक्ट क्या करता है, आपके मल्टीपल डेटा को जेसन फॉर्म में भेज देता है, ठीक है। तो जेसन ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ एक्स्ट्रा डेटा, एक्स्ट्रा डेटा इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे बोल दिया न्यू जेसन ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब एक्स्ट्रा डेटा के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, डॉट पुट, पुट क्या करेंगे हम लोग डालेंगे जी, एक्टिविटी लिख दिया मैंने कि कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, तो इसको हम लोग बाद में फाइंड करेंगे। अब एक्टिविटी कौन सी ओपन करवानी है उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे टू गो लिया हुआ है, टू गो से हम लोग उसको डिफाइन यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपने लिखना है टू गो, ठीक है। जितना जितना कोड आपको दिख रहा है इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने इस तरह से टू गो यहाँ पे इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फिर से किसके अंदर डाल देंगे, मेन ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, और इस मेन ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, सबसे पहले तो मैं इसको कट करता हूँ, इसके नीचे बना लेता हूँ इसको, ठीक है। इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, और इसके डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ सेम, ठीक है जी। नोटिफिकेशन तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से आ रही है सारी नोटिफिकेशन, लेकिन जो एक्स्ट्रा डेटा हम लोग भेज रहे हैं वो एक्स्ट्रा डेटा से आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेटा, और यहाँ पे डाल देंगे जो एक्स्ट्रा डेटा है। ये ध्यान रखना, इसका स्पेलिंग का ध्यान रखना, नोटिफिकेशन और डेटा का, क्योंकि ये फायरबेस के प्री डिफाइंड सिंटेक्स है। तो आपको यही लिखना है, डेटा, डेटा में ही हमारा डेटा जाएगा, नोटिफिकेशन पे हमारी नोटिफिकेशन जाएगी, ठीक है जी। मैं एक्टिविटी लिख दिया, इसके अलावा आप कुछ और भी भेजना चाहते हो ना यूजर को, तो वो आप यहाँ पे भेज सकते हो, और उसको बाद में आप रिसीव कर सकते हो फायरबेस मैसेजिंग सर्विस में, ठीक है जी। मैंने क्या भेज दिया, एक्स्ट्रा डेटा में भेज दिया, क्या भेज दिया, जो हम लोग टू गो ले रहे हैं। टू गो कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, हमने डेस्टिनेशन भेज दिया। अब मैं रिसीव कहाँ पे करूंगा, माई फायरबेस मैसेजिंग सर्विस में आऊंगा, ठीक है जी। यहाँ पे आने के बाद जहां से हम एक्टिविटी ओपन कराते हैं ना, तो वो इंटेंट वाला कोड होता है, ये आपको मिल जाएगा फायरबेस के डॉक्यूमेंटेशन पे भी ये मिल जाएगा, और ये मैंने कोड भी दिया हुआ है आपको, वहां पे ये कोड मिलेगा, ठीक है। वहां पे यहाँ पे डेस्टिनेशन एक्टिविटी लिखा, वहां पे मेन एक्टिविटी लिखा होगा। आपने क्या करना है, देखो जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ, जैसा पहले आपको मिलेगा वैसा ही रख दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक चीज करनी है, यहाँ पे क्या चीज करनी है, हमने हम लोग चेक करेंगे कि जो हमको डेटा मिल रहा है ना, जो नोटिफिकेशन हमको मिल रही है, ठीक है जी, वो मिलती है हमको रिमोट मैसेज डॉट गेट डेटा में। तो हम लोग चेक क्या कर रहे हैं, डेटा कौन सा चेक कर रहे हैं, देखो जहां से सेंड किया था वहां पे आ जाओ, चेक क्या कर रहे हैं, हम एक्टिविटी वाला डेटा चेक कर रहे हैं। ये पुट भेजा था ना हमने, ये की भेजी थी, इसी की को यहाँ पे चेक करेंगे कि इस की को डॉट मैचेज, ये जो की है वो किससे मैच हो रही है। अगर ये मैच हो रही है किससे, डेस्टिनेशन से, ठीक है जी। अगर ये डेस्टिनेशन से मैच हो रही है तब तब हम क्या करें, अच्छा इसको एक काम करो, यहाँ पे इसको ग्लोबल हम लोग यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ठीक है जी, ताकि हम लोग इसको यहाँ पे इफ एल्स में यूज कर सकें। तो यहाँ पे अगर ये डेस्टिनेशन से मैच हो रही है तो कौन सी एक्टिविटी ओपन हो जाए, डेस्टिनेशन एक्टिविटी वन, इतना ठीक है। फिर हमने बोला एल्स, अगर नहीं हो रही, कि अगर यहाँ पे हम लोगों ने बाई चांस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नहीं दिया, या फिर हमने कुछ ऐसा दे दिया, कुछ भी नाम दे दिया, ठीक है जी, तब क्या हो, उस केस में क्या हो, उस केस में हम कोई दूसरी एक्टिविटी ओपन कर देंगे। तो मैं दूसरी एक्टिविटी कौन सी ले रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं टेस्टिंग एक्टिविटी एक मेरे पास है, तो टेस्टिंग
एक्टिविटी मैं ओपन करवा दूंगा, बस यही कोड आपने यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है जी। भेजती बार जो कोड चेंज करना वही चेंज करना है, और जो रिसीव करते बार चेंज करना वही चेंज करना है आपने, ठीक है। एक बार ऐप को रन करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो ये वीडियो आपको कहीं YouTube पे मिलने वाली नहीं है, यहीं पे इसी चैनल पे मिलेगी, और इसी तरह की और भी वीडियोस मिलेगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया ना चैनल को, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन सेंड की ना, इसी पे आप देखोगे तो ये नोटिफिकेशन आ गई जो मैंने नोटिफिकेशन सेंड की थी, ठीक है। आपको मेरे एक्टिविटी पे लाता हूँ, जो मैंने ये भेजा था ना वही आ जाएगी देखना। अच्छा जी, इस एक्टिविटी पे जब क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखोगे कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, डेस्टिनेशन एक्टिविटी पे मैंने बनाया क्या हुआ है, ये देखो इस पे एक बटन लेकर के रखा हुआ है मैंने, कौन सा, डेस्टिनेशन बटन। तो ये वाली एक्टिविटी यहाँ पे ओपन होगी। अब मैं चाहता हूँ कि डेस्टिनेशन एक्टिविटी ना ओपन हो जब मैं यूजर को नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई और एक्टिविटी ओपन हो जाए। तो बस आप डेस्टिनेशन की जगह आप कुछ भी डाल दो, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कुछ भी। अब कुछ भी लिखने का मतलब कि जब इसको रिसीव होगी ना ये नोटिफिकेशन, तब ये चेक करेगा कि अगर डेस्टिनेशन है तभी डेस्टिनेशन को ओपन करना है, अदरवाइज कौन सी एक्टिविटी को ओपन करना है। ये यहाँ पे आप अपने हिसाब से कंडीशंस दे सकते हो कि टेस्टिंग एक्टिविटी एक मेरे पास है यहाँ पे, मैं इसको ओपन करवा रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पे मैंने डेस्टिनेशन जब मैं सेंड कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे तो मैंने कुछ भी डाल दिया, यानी कि कुछ भी वहां पे आएगा, यानी कि एल्स कंडीशन वहां पे चलेगी। अब तो अब देखना यहाँ पे, और मैं आपको दिखा देता हूँ टेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमने रखा क्या है। इसके अंदर एक सिंपल सा टेक्स्ट व्यू है, तो जैसे मैंने सेंड की, देखो जी सेंड कर दी, नोटिफिकेशन आ गई। इसको जैसे मैंने क्लिक किया, तो आप देखोगे टेक्स्ट व्यू यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस तरह से आप नोटिफिकेशन भेज के चेक कर सकते हो और डिसाइड करवा सकते हो यूजर को कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा सा कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और ये कोड मैंने पूरा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, अगर आपको ये कोड समझना है ना पूरा, तो मुझे कमेंट करो, हो अगर आने वाली वीडियो में पूरा कोड आपको समझा दूंगा किस तरह से कौन सी चीज काम कर रही है। अगर पिछली वीडियो से आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हो, इस वीडियो पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कमेंट करो और कुछ सजेशन है तो दो। और तभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए।